ऐसी गारी नहीं थी, कैसी गारी थी गोपियाओं की। कैसी गाली नहीं तुम सुनो कृष्ण बलराम और रंगीली गारी पे गाली देने लगी है। इस प्रकार से भगवान कन्हैया का पहला विवाह रुक्मणी के साथ में हुआ, जो महाराज भीष्मक स्नेहा को साथ में बुलाया है। रुक्मणी के हाथ पीले किए तो पहला विवाह परीचती रुक्मणी के साथ में हुआ। दूसरा विवाह महाराज जामंत की बेटी जामंती के साथ हुआ। तीसरा विवाह श्रद्धा के साथ हुआ। चौथा विवाह मित्र बिंदा के साथ हुआ। पांचवा विवाह लक्ष्मणा के साथ में हुआ। छठवा विवाह श्रद्धा के साथ में हुआ और सातवा विवाह भद्रा के साथ में हुआ और एक विवाह राधा रानी के साथ हुआ। क्या बल्कि आठवा विवाह राधा रानी के, नौवा विवाह राधा रानी के साथ में हुआ और आधा विवाह कुविजा के साथ तो हुआ। कितने हो गए विवाह परिचत जी? परिचत जी आज भूल गए, ध्यान देना मेरी माता मेरा, आज परिचत जी पैसन में भूल गए। आज परिचत जी को और यज्ञवती को ध्यान कथा की तरफ है ही ना है। और बिने जेव ना मालूम के ब्याले घंटा बाद हमें काल और नाग टसेगो, हम मर जाएंगे। जाको ख्याल ना, आज तो पैसन में भूल गए। बोलिए सच्चे दरबार की। मेरे भैया आज आधा विवाह को विजाग के साथ तो हुआ है, साढ़े नौ विवाह कन्हैया के हो गए। 16,000 कन्या भोमासुर की नाम, जो भोमासुर नाम का राक्षस था उसने बंदी बनाई। उसका भरोसा था कि मैं जब 20,000 कन्या कर लूंगा तब अपने साथ एक ही बार में भामर डालूंगा, लेकिन उल्टा हो गया। 16,000 कन्या रोने लगी, भगवान को बुलाया, कहने लगी गोविंद जल्दी आओ, ये राक्षस मुझे मार डालेगा। रोने लगी 16,000 कन्या। कैसे बुलाया 16,000 कन्याओं ने, क्या बोली है, रोको की आवाज लगा रही है प्रभु की। हे प्रभु आनंदिता और मुझे
हजार कन्या रो लगी क्या बोली।